संयम, खुशी और दीक्षा। तो संयम, क्या हाल है? खुशी, कैसा लग रहा है ऋषिकेश में? बहुत अच्छा। पहले भी आए कभी ऋषिकेश? और बोर तो नहीं हो रही? तो दीक्षा बता। तो दोस्तों दीक्षा बोल रही है कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो तुझे इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तुझे इग्नोर कर, तेरे तो सबसे पहले फोटो लगाऊंगा उसमें। हाँ अच्छा, ये क्या होता है पोज? ये कौन सा पोज होता है? मैंने इन्वेंट किया। नया पोज इन्वेंट किया तूने? हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिल्स एंड प्लेन्स पे। तो दोस्तों मैं आया हूँ ऋषिकेश, और जो आज का जो मेरा व्लॉग होगा वो ऋषिकेश का ही होगा। और अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों चाचा जी और घर पे, तो वहाँ प्रोग्राम है, तो वहाँ का सारा व्यू आज का जो ब्लॉग होगा दोस्तों मेरा सारा वहीं का होगा। और हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, किस प्रकार करते हैं हम, तो आगे आपको बताते रहूँगा। तो चलता हूँ अब। दोस्तों अभी मैं आया हूँ चाचा जी और घर पे, और अभी मैं हूँ सबसे ऊपर वाली मंजिल पे। ये है दोस्तों छठी मंजिल पे, और यहाँ से मैं पूरे ऋषिकेश शहर का बहुत सुंदर नज़ारा आपको दिखा लेता हूँ। और यहाँ से पूरे नरेंद्र नगर का और पूरे ऋषिकेश का, जी चौदहवीं का से लेकर दोस्तों ढालावाला तक है, जो हमारा लगभग 5-6 किलोमीटर का जो ये एरिया है, हमारा जो इलाका है ढालावाला, तो यहाँ का बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है यहाँ से। लेकिन दोस्तों आज कोहरा बहुत ज़्यादा लग रखा है, इस वजह से पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो जितना भी हो सकता है मैं आपको दिखाने की बहुत अच्छी से कोशिश करूँगा, दिखाता हूँ आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरे ऋषिकेश शहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, और ये हमारी जो नगर पालिका है, हमारी मुनि की रीति है जो, उसका आप बहुत सुंदर व्यू देख सकते हैं दोस्तों। और सामने आप देख सकते हैं ये देहरादून रोड है, और दोस्तों ये फ्लाईओवर जो बना हुआ है ये देहरादून के लिए, और नीचे से रेलवे ट्रैक जा रहा है, और ये रेलवे लाइन देख सकते हैं। ये जो स्लीपर ये पुल बना हुआ जो, यही है दोस्तों जो ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग के लिए दोस्तों जो पहला स्टेशन है, जो पहला पुल है जो, वो यहीं से होके जाएगी दोस्तों। और ये यहाँ से आज तो कोहरे की वजह से नहीं दिख रहा यार, और यहीं आगे भद्रकाली, ये यहाँ से सुरंग अंदर को जाएगी और सीधा निकलेगी दोस्तों खारोसूद, और आप बहुत सुंदर नज़ारा देख सकते हैं यहाँ का। और बाकी दोस्तों ये इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है, और यहाँ फैक्ट्रियाँ फूक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई है यार यहाँ पे। आप बहुत सुंदर नज़ारा देख सकते हैं हमारे ऋषिकेश का, ये देवभूमि उत्तराखंड के एक सुंदर से शहर ऋषिकेश का। तो देखिए जी, यहाँ पे दोस्तों हमारे सभी चाचा जी और है, सभी दादाजी और है, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सभी यहाँ पे एक बैठक चल रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अखंड रामायण का प्रोग्राम भी यहीं पे हुआ था। और ये हमारे पंडित जी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए चाचा जी है, दादाजी है, सभी लोग बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी न किसी टॉपिक पे चर्चाएं चल ही रही है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे दादी जी का वार्षिक श्राद्ध का जो प्रोग्राम है, तो उसके लिए अखंड रामायण हो रही है, और यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है, और अखंड रामायण भी समापन हो गई है। और दोस्तों बाकी सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप ये बहुत सुंदर नज़ारा देख सकते हैं आपको। जब सभी लोग इकट्ठे होते हैं दोस्तों, तो उसका कुछ अलग ही आनंद आता है यार, जब सभी अपने बड़े लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह किसी प्रोग्राम में। अभी आ गया हूँ मैं चाचा जी और घर पे, और यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है अखंड रामायण की दोस्तों। कल दिन 11 बजे से शुरू हो गई थी, और अभी दोस्तों बज रहे हैं दिन के 11, और लगभग अब अखंड रामायण भी समापन पे ही है, और यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है बहुत भव्य, और जैसे सभी भाई बंधु आ रखे हैं, सभी लोग इकट्ठे मिले हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यार जब सभी अपने लोग जब आते हैं और इकट्ठे होते हैं एक साथ, कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है तो दोस्तों बहुत प्यारा लगता है, बहुत मज़ा आता है यार। वो पल जो होते हैं वो बहुत अच्छे पल होते हैं यार। और मेरे साथ सभी लोग हैं यहाँ पे, बच्चे लोग हैं, और हमारे मास्टर जी भी, हमारे चाचा जी रविंद्र नौटियाल जी भी हैं, और मेरे साथ हमारे मास्टर जी हैं, इनकी ड्यूटी है अभी अगस्त महीने में है, और आज के लिए भी आए हैं, सभी आए हैं हमारे, अपने जितने भी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी लोग। तो मास्टर जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके सभी दोस्तों को नमस्कार। आज जैसे कि आज यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत ठंडा हो रहा है, ठंडा हो चुका है, और आज हमारे यहाँ पे बड़ी चीज के वार्षिक स्थान है, और उस उपलक्ष्य में सारे हमारे जितने भी भाई बंधु लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, पितृ कार्य का अवसर है, बस यही आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और ये बहुत ही होनहार जुझारू यूट्यूबर है, और आप सब इनका सपोर्ट करिए, अच्छा
करिए, और ये आपके लिए नए नए ब्लॉग्स, आपको नई नई जगह के बारे में जानकारियाँ देते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा जी जी, आपका जो कार्य है वो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मास्टर जी, हमारे चाचा जी की है। किसी भी कार्य को करो अच्छे लगने से, और अजीत जी ने जिस प्रकार के ब्लॉग बनाए अपने पहाड़ के पहाड़ी संस्कृति के बारे में, वो बहुत अच्छा कार्य है। हम उससे काफ़ी प्रभावित हुए आपके कार्य से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका। और दोस्तों आजकल ठंडियाँ भी बहुत हो रही है यार, आज तो पूरी धुंध पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। आप और देख सकते हैं कितना कोहरा, घना कोहरा लगा हुआ है, जिस वजह से यहाँ काफ़ी ठंड लग रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है, धूप का तो नाम निशानी नहीं आ रही है। हवाएं भी काफ़ी चल रही है, जैसे दोस्तों मकर संक्रांति भी अब आने वाली है, उस समय स्नान भी होता है, गंगा स्नान, तो देखते हैं बहुत ठंड हो रही है। इस बार तो गंगा स्नान भी करना पड़ेगा, है ना, गंगा स्नान से होगा जो भी होगा, क्योंकि बर्फ़ तो पड़ती नहीं है, तो गंगा स्नान जी की मात्र साधन है, तब है ना, बिल्कुल गंगा जी की ठंड से करेंगे थोड़ा बहुत। गंगा माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, फल मिलेगा, ये सौभाग्य है हमारे कि हम ऋषिकेश में रह रहे हैं और गंगा माई की तपो यहाँ भूमि रह रही, जहाँ हमारे भगवान राम जी के छोटे भाई भरत जी की तरफ तपस्या है, जो ऋषिकेश है, जो तपस्या भरत मंदिर भी भरत महाराज का प्रसिद्ध दिव्य मंदिर है। आप लोगों को अगर कभी अवसर मिले तो जरूर वहाँ पे भगवान भरत के दर्शन करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे श्री जयराम आश्रम में सिद्धपीठ श्री हनुमान जी का दिव्य मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। बहुत ही भ्रमण करने के लिए बहुत ही पौराणिक और दिव्य स्थल यहाँ पे मौजूद है दोस्तों, भी आपको अवसर मिले तो आइए, आपका स्वागत है। यहाँ पे गंगा माई है सबसे मेन पहले, है ना, और सभी देवी देवता हैं यहाँ, देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ कड़कड़ में देवता निवास करते हैं, इसी से हमारे उत्तराखंड का नाम भी देवभूमि पड़ा है। चार धामों की वजह से ही हमारे उत्तराखंड को एक अलग पहचान मिली है विश्व में, विश्व भर में देवताओं की भूमि कहा जाता है उत्तराखंड। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है, जो दिन में जो भंडारा लगेगा और जो पितृ भोजन रहता है उसकी तैयारी चल रही है यहाँ पे खाने बनाने की। और यहाँ देख सकते हैं आप, सारी टीम यहाँ पे लगी हुई है अलग अलग डिश बनाने में, ये देखिए आप, सभी भाई लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं यहाँ पे, और खाने की लगभग तैयारी काफ़ी हो गई है, और सभी पूरा खाना लगभग बन चुका है। यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये सब इन सब में दोस्तों खाना बन के रख दिया है, और अब यहाँ पे मैट वगैरह बिछा रहे हैं, मैट वगैरह बिछाने की तैयारी, और अब दोस्तों आधा घंटे बाद खाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ पे चाचा जी और सभी लोग, यहाँ पे संयम, खुशी और दीक्षा, तो संयम क्या हाल है, खुशी कैसा लग रहा है ऋषिकेश में? बहुत अच्छा, पहले भी आए कभी ऋषिकेश? और बोर तो नहीं हो रही? तो दीक्षा बता, तो दोस्तों दीक्षा बोल रही है कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो तुझे इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तुझे इग्नोर कर, तेरे तो सबसे पहले फ़ोटो लगाऊंगा उसमें। हाँ अच्छा, ये क्या होता है पोज, ये कौन सा पोज होता है, नया पोज इन्वेंट किया तूने? और खुशी तू भी करेगी कोई पोज? चलो खुशी चश्मा भी लग गया हमें। तो देखिए जी, यहाँ पे खाने का प्रोग्राम भी शुरू हो गया दोस्तों, और सभी लोग बहुत प्यार से खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी मेहमान हैं और हमारे जितने भी ध्यान थे दोस्तों, हमारे बड़े छोटे सभी लोग हैं दोस्तों, हमारे बड़े भाई है, चाचा जी, दादा जी, और सभी लोग यहाँ पे, ये देखिए आप, खाना खा लिया सभी ने, और कुछ लोग खाना खाने बैठे हुए हैं और बहुत प्यार से खा रहे हैं यार दोस्तों। पंगत में खाना खाने में का कुछ अलग ही मज़ा होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दादा जी और है, चाचा जी और है, और यहाँ पे बुआ जी और भी है, और चाचा जी और सभी लोग, हम लोग सभी यहाँ पे खाना बाँट रहे हैं, बहुत प्यार से सभी को खाना परोस रहे हैं कि किसी को कोई भी प्रकार की कमी ना हो। आप देख सकते हैं दत्ताऊ जी और है, और चाचा जी और है, सभी लोग यहाँ पे बहुत प्यार से भोजन कर रहे हैं, जो पितृ भोजन होता है दोस्तों उसे ग्रहण कर रहे हैं, तो पितृ प्रसादी को, तो आप देख सकते हैं बहुत प्यार से सभी लोग यहाँ पे, हमारे रिश्तेदार नातेदार सभी लोग बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यार।